एवरीवन एंड वेलकम टू फूड स्पाई। मैं हूं पलक श्रीवास्तव एंड आज आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही मजेदार नई रेसिपी। मैं बनाने वाली हूं चिकन मोमोज, बट वो पैन में। जी हां, पैन सियर चिकन मोमोज बनाएंगे हम। बहुत ही जूसी होंगे अंदर से, लेकिन ऊपर से एक परफेक्ट क्रिस्पीनेस होगी एंड बहुत ही बढ़िया बनते हैं, झटपट बन जाते हैं, कोई ज्यादा तामझाम नहीं। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्किप टू द रेसिपी। तो चिकन पैन फ्राइड मोमोज बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, चलिए देख लेते हैं। ऑयल, रेड चिलीज, नमक, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ी तुलसी की पत्ते, एक कप मैदा, कटी हुई सब्जियां, यहाँ पे मेरे पास बोनलेस चिकन है, एक प्याज, दो टमाटर, धनिया की पत्ती, चीनी, लाल मिर्च, ये गरम मसाला और धनिया पाउडर, एक एक 1/4 टीस्पून मैंने लिया हुआ है, दोनों मसाले एक साथ हैं। इसके अलावा हमें लहसुन चाहिए, अदरक, थोड़ी सी मिर्चें, और ये तीन मसाले हैं। इनमें से आप कोई भी मसाले यूज़ कर सकते हैं या आपके पास जो भी हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोमोज के लिए आटा लगाने से शुरू करते हैं, क्योंकि हमें आटा बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए और इस आटे को हमें रेस्ट भी करने देना है। तो मैं यहाँ पर एक कप मैदा ले रही हूँ। आपको जितने मोमोज बनाने हैं आप उसके हिसाब से इस रेसिपी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस रेसिपी से मेरे पास करीब 12 से 15 मोमोज बन के रेडी हो जाएंगे, जो मीडियम साइज़ के होते हैं। तो एक कप मैदा ले लिया। अब ये डाल रही हूँ मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, बट 1 टीस्पून विनेगर। इसकी वजह से आपके मैदे में एक ग्लूटेन अच्छा डेवलप होगा और आपका जो डो है वो बहुत स्ट्रेची बनेगा और बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। तो ये इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। मैंने 1 टीस्पून विनेगर डाला और अब इसको थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए बस 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ एंड इसको नॉर्मल हम जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट पानी के साथ इसको गूंथ लेंगे। तो दोस्तों, अब अपने डो को हमें काफ़ी अच्छे से गूंथना है। करीब 5 से 6 मिनट आप इसको आराम से गूंथते रहें, जिससे कि इसके अंदर एक ग्लूटेन डेवलप हो जाए। अच्छा, ग्लूटेन का मतलब ये होता है कि जैसे आपका डो ना बिल्कुल स्ट्रेची हो जाएगा, मतलब खिंचावट आ जाएगी उसमें। तो हमें इसको तब तक अच्छे से नीट करते रहना है एंड जब अगर आपको लगे कि अच्छा ठीक है, अब हमारा अच्छे से नीट हो गया है, तो बस अब इसको एक आराम से किसी भी बर्तन से या गीले कपड़े से कवर करके इसको साइड में रख देने का है। चलिए फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना, एक ग्राइंडर पॉट के अंदर हमें सारे के सारे हमारे चिकन के बोनलेस पीसेस हैं उसको डालना है और इसको एक ग्राइंड करके ले आना है। तो करीब 3 से 4 बार इसको पल्स देके मैंने ग्राइंड कर लिया है एंड अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर का हो चुका है। हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना, इसको ऐसे थोड़ा खुरदुरा ही रहने देना है। आप चाहें तो यहाँ पर चिकन कीमा, जो अगर आपको रेडीमेड मिल रहा है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो अब चलिए हम लोग अपनी फिलिंग को असेंबल करते हैं। एक बड़े से बोल में मैं अपना पहले जितना भी हमने अभी चिकन को ग्राइंड किया था, चिकन का पेस्ट बनाया था, वो यूज़ कर रही हूँ। तो मैं सारा का सारा चिकन एक साथ डाल सकती हूँ। आप चाहें तो इस रेसिपी को बिना चिकन के भी बना सकते हैं। अभी यहाँ पे तो मैं फिलिंग में चिकन भी डाल रही हूँ, वेजीज भी डाल रही हूँ, पर ये टोटली आपका कॉल है। अगर आप चाहें तो इसको सिर्फ वेजीज या फिर सिर्फ पनीर के साथ भी बना सकते हैं। अब मैंने एक बोल चिकन के साथ यहाँ पे एक बोल सब्जियाँ मेरे पास चॉप थी, इसमें गाजर, पत्ता गोभी, बीन्स, शिमला मिर्च सारी हैं। मुझे लगता है सब्जियाँ डालने से ना थोड़ा और ज़्यादा टेस्ट एनरिच हो जाता है। याद रखना है कि जब भी हमें सब्जियाँ मोमोज में डालनी है तो उसको पहले उसका पानी निचोड़ लेना है। तो ये मैंने इसका पानी निकाल दिया है एंड अब इसको एक हल्का सा मिक्स करते हैं और इसके बाद अब इसको करेंगे सीजन। मैं यहाँ अराउंड 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा, क्योंकि चिकन स्वीट प्रोफाइल का होता है, तो हम यहाँ पे बस एकदम 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर शुगर भी डाली है। आप चाहें तो चीनी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा टेस्ट ऐड कर देता है। फिर ये जो हमने दोनों 1/4 टीस्पून मसाले लिए थे, धनिया पाउडर और गरम मसाला, ये दोनों मैंने डाल दिया इसमें एक ही साथ। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और वैसे ही 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया था, वो डाल रही हूँ। मोमोज में अदरक मुझे तो बहुत पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, आप अवॉइड कर लीजिए। एंड चलिए अब इन सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो दोस्तों, हमारी बेसिक फिलिंग तो रेडी है, अब चलिए इसको थोड़ा टॉप नॉच बनाते हैं। इसमें डाल रही हूँ मैं कटे हुए प्याज। ये आधा प्याज को मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है और ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर ऐड करता है, क्रंच भी देता है हमारे मोमोज को।
अच्छा, अब इसमें आप डाल सकते हैं 1/2 टीस्पून सोया सॉस, लेकिन मैं उसके जगह पे यूज़ करी हूँ ये पनीर चिली मसाला, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर बैलेंस आ जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 1/2 टीस्पून सोया सॉस और 1/2 टीस्पून विनेगर डाल सकते हैं इसमें। बट अभी मैंने इसमें 1 टीस्पून के अराउंड मसाला डाल दिया, और इसको ना अपने स्वाद अनुसार आप इसमें मिर्ची डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर अराउंड 1 टीस्पून से थोड़ा कम लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, एंड ये भी अगेन एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट चिकन मसाला, ये बस 1/2 टीस्पून डाला है, लेकिन ये टेस्ट काफ़ी अच्छा ऐड कर देता है इसमें, तो मुझे तो बहुत पसंद है ये डालना। एंड ये आ गया इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट, थोड़ा सा ऑयल। ऑयल से क्या होगा कि आपका जो फिलिंग है ना वो काफ़ी जूसी बनेगा। एंड अगर आप ऑयल नहीं डालना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप चिकन कीमा लाएं या फिर आप जब चिकन लाएं तो वो फैट के साथ लाएं, चिकन के फैट के साथ अगर आप उसको ग्राइंड करते हैं तो आप यहाँ पे ऑयल बिल्कुल मत डालिए, इससे आपके मोमोज काफ़ी जूसी बनेंगे। तो अभी हमारा मिक्सअप बिल्कुल रेडी है, और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड फिर इसको रख देंगे साइड में करीब 20-30 मिनट्स। ये चिकन भी अपने अंदर मसालों में मैरिनेट हो जाएगा एंड फिर बहुत ही टेस्टी बन जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको हटा देते हैं एंड बढ़ते हैं अपनी चटनी के तरफ। दोस्तों, मोमोज की चटनी तो आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, बट जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ वो सबसे क्विक एंड सबसे आसान तरीका है। बस 2 मीडियम साइज के टमाटर को छोटा छछोटा चॉप करिए, इसी के साथ डालिए 3 से 4 अपनी सूखी लाल मिर्चें, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। एंड बस अभी मुझे इन सारी चीज़ों को अच्छे से उबलने देना है। टमाटर पकने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी, जिससे कि टमाटर जल्दी पक जाए एंड ये थोड़े सॉफ्ट एंड मशी हो जाने चाहिए। तो बस इसको मीडियम आंच पे करके हम इसको ढक के छोड़ देंगे। दोस्तों, करीब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं एंड चलिए अब एक बार अपने टमाटर को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, अपना स्किन भी छोड़ चुके हैं, तो अभी ये बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसको बस पीस लेना है एंड इसकी एक प्यूरी बना लेनी है। तो एक ग्राइंडर पॉट के अंदर मैंने अपना सारा का सारा जो टमेटोज और लाल मिर्च का था वो डाल दिया है। अब इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, आप चाहें तो यहाँ पर 3 से 4 लहसुन की कलियाँ भी डाल सकते हैं। बस ज़रा सा चीनी, मतलब ये 1/4 टीस्पून चीनी डाला है एंड अब इसको हम पीस लेंगे। तो दोस्तों, अभी मेरे डो को रेस्ट करते हुए करीब 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अभी एक बार अपने डो को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये डो कितने बढ़िया तरीके से सेट हो गया है एंड कितना स्ट्रेची है। आप इसको आराम से खींच के देखेंगे तो ये बिल्कुल टूटेगा नहीं, मतलब हमारा डो तैयार है। अब मुझे बस कुछ नहीं करना, अपने डो को पहले मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी, फिर इसको लंबा लंबा बेल करके इसमें से छोटे छोटे पेड़े निकाल लूँगी, फिर हर एक पार्ट को मैं छोटा छोटा बेल लूंगी। आप चाहें तो एक बड़ी सी रोटी टाइप की भी बेल सकते हैं और उसके बाद किसी कुकी कटर से या फिर किसी ग्लास के सहायता से उसे छोटा छोटा कट भी कर सकते हैं, बट मैं चाहती थी इसको थोड़ा ऑथेंटिक तरीके से बनाना। तो अभी मोमोज के जो रैपर होते हैं ना, उसको बेलने का भी एक तरीका होता है, उनको आपको साइड से बेलना है, बीच से एक बार हल्का सा फ्लैट करके साइड से आप उनको जितना पतला कर सके पतला करते जाइए, एंड बीच से बहुत ज़्यादा हमें उसे पतला नहीं करना है, थोड़ा थिक ही रखना है। एंड एक आइडियल साइज का जब ये आपका बन जाए तो इसको एक साइड में रख लेंगे। आप देख सकते हैं मैं सारे साइड्स इसके बहुत अच्छे से पतले कर रही हूँ एंड जितना पतला हो सके उतना पतला बेलिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, हमें रुमाली रोटी नहीं चाहिए, हमें मोमोज चाहिए। बस अब क्या है, अपने रैपर्स को लेना है, उसमें हमें फिल करना है थोड़ा थोड़ा स्टफिंग एंड इसके बाद आप अपने डिज़ायर्ड शेप या जो भी आपको सबसे आसान शेप लगे आप उस तरह से अपने मोमोज बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 तरीके के मोमोज रैप करना सिखाऊंगी। यहाँ पर अभी देखिए, ये हमने एक पोटली वाले मोमोज बना के रेडी कर लिए हैं। अभी मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी मोमोज रैप करके दिखाती हूँ। तो मोमोज को पैन फ्राई करने के लिए हमें ऑब्वियसली चाहिए एक पैन एंड उसमें मैं डालूंगी ऑयल।
तो यहाँ पे मेरे को करीब 1 टीस्पून ऑयल की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए। एंड अब इस ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे, और बस जब आपका पैन भी गर्म है, ऑयल भी गर्म है, तो एक एक करके सारे मोमोज हमें इसमें डाल देने हैं। अभी मैंने सारे मोमोज अपने अरेंज कर लिए हैं पैन पे। तो ये याद है हमने सब्जियों में से पानी निकाला था, ये वही वाला पानी है, करीब 1 टेबलस्पून मैंने ये पानी डाल दिया है। एंड अभी यहाँ पर मैं 2 से 3 बड़े चम्मच और पानी डाल के अभी इसको मुझे इसको ढक दूंगी, एंड ये अपने ही स्टीम में चिकन भी पक जाएगा, ये डम्पलिंग के रैपर्स भी पक जाएंगे, एंड ये बिल्कुल सॉफ्ट एंड सक्यूलेंट हो जाएंगे। तो अभी इन्हें ढके हुए हमें करीब 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए एक बार इसको ज़रा हम चेक कर लेते हैं। याद रखिए आंच एकदम धीमी रखनी है, हमें ये क्रिस्पी चाहिए, जले हुए नहीं चाहिए। तो मैंने सबसे लोएस्ट फ्लेम पे इनको चेक किया, एंड अब देख सकते हैं ये एक एक नीचे से थोड़ा थोड़ा ये पकना शुरू हो गया है। तो अब इनको हम फ्लिप कर लेंगे, एंड मोमोज बिल्कुल डेलिकेट है, आप देख सकते हैं मैंने तो 2 मेरे से तो फट गए हैं, बट आपको ये बहुत केयरफुली करना है। अब ये एक तरफ से तो क्रिस्पी हो गए हैं ना, अब हमें दूसरे तरफ से भी इनको क्रिस्प करना है, एंड दूसरे तरफ से भी पकाना है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच आपको पानी डालना होगा, एंड फिर धीमी आंच पे इसको फिर से हमें करीब 5 से 6 मिनट छोड़ देना है। तो दोस्तों मोमोज को गैस पे पकते हुए करीब अभी 12 मिनट हो चुके हैं, 12-13 मिनट हो चुके हैं, एंड मेरे मोमोज रेडी होने चाहिए अभी तक। मोमोज को हमें ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये जो ऊपर का मैदा है ना, ये बहुत कड़ा कड़ा हो जाएगा एंड मज़े नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं नीचे से भी ये सियर आ चुका है, तो मैं तो अब इन्हें सर्व कर लूँगी। देखा आपने कितने आसानी से हमने ये मोमोज बना के तैयार कर लिए हैं। अब फिलिंग तो आप पे डिपेंड करती है, आप चिकन यूज करो या पनीर यूज करो या नॉर्मल वेजिटेबल्स या न्यूट्री नगेट्स, आप पे डिपेंडेंट है। बट इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना है, एंड जब भी आप इसे ट्राई करिए उसकी फोटो क्लिक करिए, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे शेयर करिए foodpreneur.palak and foodspy.official पे। अगर इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज क्लिक दैट लाइक बटन, ऑल्सो शेयर करिए एज मच एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन मैं एक फिर से नई रेसिपी लेकर बहुत जल्द आपके पास आऊंगी, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।